थोड़ा सा बस आपको बताना चाह रहा था कि टेक्नोजिम को आप प्रयोग कैसे करना है, ये भी एक मुद्दा है। आऊंगा सर, वहीं आऊंगा, अभी जिंक की बात पूरी नहीं हुई। आपने बहुत वाजिब पूछा, मैं सल्फर की बात करूंगा, अभी चालू करूंगा। तो जिंक, टेक्नो जिंक जो है आपको 2.5 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से या 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपने प्रयोग करना है। आप यूरिया के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप हल्की नमी वाली मिट्टी के साथ मिला के भी छिट्टा मार सकते हैं। जब आपने अपने जोने को, यदि आप नर्सरी लगा के आप जोना लगा रहे हैं, तो आपको जैसे ही 10 दिन हो गए आपको नर्सरी ट्रांसप्लांट किए हुए, उस टाइम आप इसको डालेंगे। और यदि आप अपने खेत में सीधी बिजाई कर रहे हैं, कुछ DSR लग रहा है, डायरेक्ट सोइंग है अपने यहाँ पे या नहीं? नहीं नहीं, तो मतलब वो मुद्दा नहीं है, पर मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यदि सीधी बिजाई कर रहे हो तो बिजाई करने के 20 से 25-30 दिन के अंदर इसका प्रयोग आपको करना है, ठीक है जी? तो ये तो इसके प्रयोग का तरीका आ गया। अब इसके साथ क्या है, भाई साहब ने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा जी, इसमें जो सल्फर है वो क्या काम करेगा? सर ये एक फुल पैकेज है आपको, इसको आप जिंक मत समझिएगा अकेला, जिंक तो है ही है, साथ में आपको सल्फर का एडिशनल पेमेंट, यदि आप सिर्फ सल्फर डाल रहे हैं खेत में तो अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% अब बात पूरी नहीं हुई मेरी सर, मैंने बोला यदि आप सिर्फ सल्फर डाल रहे हैं तो अलग डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वहां भी आऊंगा। बात मेरी पूरी नहीं हुई अभी। इसमें क्या है, 90% जो साथ में दिया, आप जो दूसरी सल्फर यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे इसमें क्या है, 4 किलो है पर 70% सल्फर है। 4 × 70 7 × 4 2 किलो 800 ग्राम सल्फर एवरेज, वैसे 67% है एवरेज, आप निकालो मोटा मोटा, मैंने देसी तरीका निकाला है। तो मतलब जो 90% वाला है वो 3 किलो होता है, तो कितना जाएगा, 9 × 27 2 किलो 700 ग्राम और 67 है तो 4 × 12 निकाल लो तो 268 ग्राम, मतलब उतना सल्फर जा रहा है। सल्फर की कमी के लक्षण क्या है और फायदा क्या है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, हालांकि आप जानते हैं जी, अब क्योंकि भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, वो 16-17 साल से यूज कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि अब मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। 3 कमी के लक्षण दिखते हैं। पहला क्या दिखता है, नई पत्तियां जो होती है उन्हीं के ऊपरी सल्फर की कमी सबसे पहले दिखती है, वो पत्तियों में वृद्धि रुक जाती है, वो पत्तियां छोटी हो जाती है। दूसरा, पत्तियां पीली पड़ जाती है, उसकी जो सिराएं हैं वो हरी रहेंगी पर नीचे का जो फलक है वो उसका पीला पड़ जाएगा। तीसरा क्या होगा, सर ने अभी बोला कि जमीन तो हमारी बीमार कर लीजिए, हम लोगों ने भी ट्यूबवेल का पानी तो हम लगा ही रहे हैं और वो लगाना ही पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारी भाषा में बात करूं जी तो आप ये मान लो सफेद कलर या काला शोरा, काला कलर, ये दोनों उसके अंदर पानी में होते ही होते हैं। वो क्या होता है, लगातार जमीनों में इकट्ठा होता रहता है, जमीन में भी क्या होता है, सुराख होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है कि आप जब पानी लगाते हैं बुलबुले निकलते हैं ना, हवाएं उसके अंदर आती जाती रहती है, हवा वो ब्लॉक हो जाता है जी, जिससे क्या होता है, जैसे मनदीप जी ने अभी वो करके दिखाया आपको कि चम्मच से भी नहीं निकल रहा, कड़ा बन जाता है, जमीन ब्लॉक हो जाती है और पौधे की जड़ें जो है वो दूसरे खुराकी तत्व भी नहीं ले पाती। और एक नई चीज आपको और आज बता के जा रहा हूं, जो शायद आपको पहले किसी ने ना बताई हो, 5 से 6 किलो यूरिया 5 से 6 किलो यूरिया का नाइट्रोजन का पार्ट 3 किलो बना, अमूमन 40% है। यदि 3 किलो नाइट्रोजन फसल ने लेनी है तो उसको 500 ग्राम सल्फर चाहिए, 6 किलो नाइट्रोजन लेनी है तो फसल को 1 किलो सल्फर होगा तो वो मिलेगा, नहीं तो वो नाइट्रोजन भी नहीं मिलने वाला, जो हम गट्टा छिटक के आ रहे हैं ना सर, जो मैंने आपको बोला भी उसको टुकड़ों में तोड़ो, कारण भी एक यही है कि नाइट्रोजन हम डाल रहे हैं पर वो मिलेगी तभी पौधे को जब 6:1 के रेशियो का आपके खेत के अंदर सल्फर और यूरिया दोनों जाएगा, तब आपको बेनिफिट मिलने वाला, अदरवाइज वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। नंबर 2, सल्फर का एक और बड़ा काम है, पौधे के शुरुआती जो दिन होते हैं उसके अंदर सल्फर क्या करता है, उसकी वृद्धि को बहुत तेजी से करता है। दूसरे खुराकी तत्व जिसमें कि फास्फोरस है, पोटाश है, आपका आपका मैग्नीशियम है, जिंक है, इन सबको लेके भी फसल को देने का कार्य है वो सल्फर करता है। तो एक तरीके से जैसे गोदारा जी ने बताया था, ये क्या करता है, दूसरे सारे खुराकी तत्व भी फसल को उपलब्ध करवाता है, तो ये सल्फर का एक मेजर रोल है सर। अब बात ये आती है कि क्या हम लोग टेक्नोजिंक यूज कर रहे हैं तो हमें वहां पे फर्टिस डालना है कि नहीं, सर ये क्वेश्चन था आपका, बिल्कुल ठीक है। अब बात ये आती है जी कि 1 एकड़ फसल को या 1 एकड़ जोने की जो फसल है, धान का जो खेत है, वो कितना जमीन से सल्फर खींचता है, बात यहाँ आएगी ना सर, हमें पूर्ति क्या करनी है, भी फसल ले कितनी रही है खुराक, हमें तो वो जानना है ना जी, हमें ये तो नहीं जानना कि हम 3 किलो का काम है 3 किलो से चल रहा है, ये जब सल्फर आया तो तब क्या था 80% आया, 1 किलो बीघे का डलता था, फिर बीघे का 2 किलो हो गया, अब जरूरत बढ़ रही है और आगे बढ़ रहा है,
पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, धान का खेत 1 एकड़ 4 किलो शुद्ध सल्फर जमीन से खींचता है, 4 किलो। अब बात यह आती है जी, भी 4 किलो सल्फर 1 एकड़ खींच रहा है तो बीघे के अंदर आप मोटा मोटा यह मान लीजिए 2.5 किलो सल्फर की जरूरत पड़ेगी। अब 2.5 किलो सल्फर पूर्ति कैसे हो रही है? अब आपके मन में यह आएगा कि मैंने 3 किलो सल्फर डाल दिया तो उसमें अभी डॉक्टर ने बताया था 90% है, 2 किलो 700 ग्राम सल्फर गया, काम पूरा हो गया। पर काम पूरा नहीं हुआ सर, काम वहां आके रुक गया। काम कैसे रुक गया, मैंने एक चीज और बताई थी आपको, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी NUE, कि कोई भी खुराक जो आपने जमीन में डाली, कोई भी तत्व जो आपने खुराकी तत्व जमीन में डाला, उसका कितना फीसदी फसल ले पाती है। तो वो टेक्नोजिंक का मैंने आपको 50 बताया था, अभी 50% है। दूसरे मैंने आपको जिंक का बताया था 3 से 5%। ठीक इसी प्रकार से जो फर्टिस है, फर्टिस के अंदर भी वो 50% ही है। तो आप ये मान लीजिए 2 किलो 700 ग्राम डाला, उसका आधा फसल यूज कर पाती है तो कितना हुआ जी, 1 किलो 350 ग्राम। हमें चाहिए कितना एक बीघे में, 2.5 किलो। 4 किलो हमें चाहिए एकड़ का, तो 2.5 किलो मतलब फसल लेगी। तो 1 किलो 350 ग्राम प्लस 1 किलो 350 ग्राम कितना हो गया, 2.5 पौने 3 किलो हो गया। तो अपना घर पूरा हो सकता है, अपनी फसल की जरूरत पूरी कर सकते हैं। ठीक है सुभाष जी, ठीक है, क्लियर हुई कहानी? वही राजेश जी जो बात पूछा, सल्फर फर्टी बहुत बढ़िया। मेरे साथी ने पूछ लिया कि सल्फर है तो फर्टिसी क्यों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। अभी सल्फर तो और भी बहुत है, फर्क क्या है सर? 4 मुख्य फर्क है। पहला फर्क क्या है, पहली कंपनी सल्फर मिल्स लिमिटेड थी जिसने जमीन के लिए सल्फर WDG फार्मुलेशन का तैयार किया, और फर्टिस पहला पेटेंटेड प्रोडक्ट है। और जो फर्टिस है, फर्टिस आप ये मान के चल लीजिए एज ऑन डेट पूरे दुनिया के 47 देशों में पेटेंट है इसका। पेटेंट का मतलब मैं अपनी भाषा में बोलूं तो वहां उन देशों की सरकार ने ये माना है कि जो फर्टिस है वही दूसरे अन्य वहां पे उत्पाद जो अवेलेबल है उनसे इसका रिजल्ट बेटर किसान भाई को मिल रहा है, किसान भाई को मुनाफा ज्यादा हो रहा है, उसी के लिए पेटेंट दिया है। दूसरी चीज, फर्टिस का जो कण है वो 2 से 4 माइक्रोन का है, जैसे ही आप जमीन में डालोगे उतना ही ज्यादा एरिया ये कवर करता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आपने कोई भी एक कोयला उठाया, आपने इधर मारा, कोयला नीचे गिर गया, तो वो जितनी दूर में लगा उतना ही एरिया कवर करेगा। अब आप ये चाह रहे हैं कि नहीं, मैंने तो इतना सारा एरिया कवर करना है एक ही कोयले से, क्या करेंगे आप? ना, टुकड़ा करके। बहुत बढ़िया बात बोली जी, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली। पीस लेंगे, छोटा कर लेंगे, और उसी कोयले को आप बिल्कुल पीस लो जी, बिल्कुल छोटा करो, उठा के इसके ऊपर मारो, बहुत बहुत सारा एरिया कवर करेगा। ठीक इसी चीज का मैंने जो आपको बोला 2 से 4 माइक्रोन, हमारा बाल की जो नोक जहां पे टिकती है वो 1 माइक्रोन होता है सर, साधारण देसी भाषा में आपको बता देता हूं। तो 2 बाल की नोक टिके उतना 2 माइक्रोन का कण हो गया, जितना छोटा कण होगा वो उतना ही ज्यादा फैलेगा जमीन में, पूरी जमीन में एक साथ फैलेगा, जड़ों पे उतना ही जल्दी मिलेगा। और मैंने आपको बोला कि 24 घंटे में ये फसल को मिलने लग जाता है, वो इसीलिए मिलना स्टार्ट होता है, इसका कण बिल्कुल बारीक है। तो जो फर्टिसी असली सल्फर क्यों है, क्योंकि इसका सबसे बारीक कण है, ये माइक्रो ग्रेनुअल फार्मुलेशन है। तीसरा एक चीज और इंपॉर्टेंट, सल्फर ही फर्टिस या फर्टिसी सल्फर दोनों आपस में मैच करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि सल्फर एक्चुअल के अंदर पौधे को कितना जल्दी मिलता है इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। जो तकनीक सल्फर मिल्स लिमिटेड बनाती है, ये माइक्रो इमल्सन WDG तकनीक जो है, ये तकनीक का फायदा ये मिलता है कि 24 घंटे के अंदर ये फसल को रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि लंबे टाइम तक ये जमीन में एक्टिव रहता है। तो ये 3 मेजर डिफरेंस है जो दूसरी और कंपनीज के जो सल्फर आ रही है उनसे अलग है। और पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा सल्फर बनाने का WDG फार्मुलेशन का या फर्टिस बनाने का जो कारखाना है वो गुजरात में अपने हिंदुस्तान में है, जहाँ पे कि 1 लाख टन हमारी कंपनी पूरे एक साल में बनाती है, और हम लोग 85 देशों में ये सल्फर फर्टिस के नाम से ही बेचते हैं। तो आप अपने दोस्तों से, आप अपने और जो दूसरे रिश्तेदार अलग देशों में रहते हैं तो आप पता कर सकते हैं, गूगल अपने पास में अवेलेबल है, आप उससे भी देख सकते हैं, आपको अलग अलग देश के पैक्स मिल जाएंगे इसी नाम। तो ये था जिंक और सल्फर के बारे में सर, डिटेल मैंने आपको जोने के खेत के बारे में किया, सेम नरमे के लिए एप्लीकेबल होती है बाद में यूरिया फिर।